This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newsan Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbu Lighting and Furniture, and by Orbis International School. Hello everybody, welcome to Go Hash Gulbarga. इस तीन दिन के लॉकडाउन के चलते नॉर्थ एमएलए मैडम कनीस फातिमा की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। केबिन हॉस्पिटल और जिम्स हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके बीच जाकर उन्होंने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए गोहैश गुलबर्गा। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, नमस्ते, जय भीम। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा ने ये एहसास किया कि तीन दिन फुल लॉकडाउन रहने की वजह से जो पेशेंट के अटेंडेंस है, ख़ास करके जिम्स और ये जनरल हॉस्पिटल के सामने बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भूख का ख्याल करके वो कल से कह रही थी कि भाई पूरा लॉकडाउन होने के बाद में इनके खाने का कैसा होगा। तो उनकी इस जुस्तजू से आज वो तमाम लोगों के लिए कई सौ पैकेट खाना बनवाकर यहाँ भिजवाई हैं। तमाम नौजवानों की जिम्मेदारी में ये तमाम नौजवान जिम्मेदारी से उन तक खाना पहुँचाए हैं। अल्लाह करे ये जब तक कोविड ख़त्म हो जाए तब तक के मोहतरमा ये काम करें, और इन तमाम लोगों को अल्लाह इसका अजर दे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो लोग ये काम कर रहे हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह सुबहान व तआला इसका अजर देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये करके आपसे दिखाया जा रहा है, ये बताना चाह रहे हैं कि काम जो लोग पहले ये काम कर नहीं रहे थे, हम खास करके हम लोग बता नहीं रहे थे, तो लोगों को ये ख्याल था कि फलाने वो कहाँ हैं, काम क्यों नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे थे, आप ये कौम की मजबूरी और कुछ लोगों की मजबूरी की वजह से आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ ताकि ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये कौम जानती है, उनका दिल जानता है, और करने वाला और रब जानता है। बस इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे जो अटेंडर्स हैं कई दिन से परेशान थे क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, पार्सल्स लाने वालों को तकलीफ थी, गाड़ी को सीज किया जा रहा था पुलिस डिपार्टमेंट से। तो मैडम बहुत ही फिक्रमंद थे कि भाई जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनके अटेंडर्स का कैसा, उनके खाने का कैसा, उनके पानी का कैसा। तो लिहाजा ये जस्तजू चालू हुई है टाइम से मैडम से, आज हम आपके सामने आके बता रहे हैं। और ये काम अजर के लिए है, हमारी आखिरत के लिए है, और तमाम लोग यहाँ जो भी एडमिट हैं हम सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदरुस्ती दे, और उनको इस वबा से तमाम गुलबर्गा को महफूज रखे, और तमाम शहर को, तमाम दुनिया को, और हमारे भारत को महफूज रखते हुए मैं ये दुआ अल्लाह से करता हूँ। कहते हुए मेरी बात खत्म कर। हर कोई वर्कर मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की हिदायत पर इनफरादी सतह पर अपना काम अंजाम देते आया है, चाहे वो मज़हर खान साहब हों, चाहे वो आदिल सुलेमान सेठ हों, चाहे वो सैयद अहमद साहब हों, चाहे वो असद अली अंसारी साहब हों। ये लोग पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लोग रेमडेसिविर वैक्सीन इंजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ये काम मुसलसल लोगों की मदद करने का, खिदमत अंजाम देने का काम कर रहे हैं। लिहाजा ये पार्टी के तरफ से हिदायत देने पर ही काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा का अवामुन्नास के लिए ये खिदमत का जज्बा है, जो उन्होंने बार बार इस बात की ताकीद की, हिदायत दी कि आप लोग जाएँ अवामुन्नास में जाकर लोगों की खिदमत करें, और ख़ास करके जो कोविड के मुतासिरीन हैं उनकी जिस अंदाज़ में मदद हो सकती है मदद करें। आगे चल के वैक्सीन ड्राइव भी इंशाल्लाह शुरू की जाएगी ताकि लोगों को इस बीमारी से बचने आने से पहले ही उनसे उनका बचाव किया जा सके। हमें के लोगों से और ख़ास करके गुजारिश भी है कि वैक्सीन ड्राइव जो ही शुरू हो आप सभी हजरात वैक्सीन जरूर लें। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स, केबिन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, सूरत खजाना, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर, एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।